हाय गाइस, तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे चावल होते हैं वो रख देते हैं तो उनमें सुरहरी या कीड़े हो जाते हैं, जिसे गिंडार बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज मैं उन चावलों को बहुत आसानी से साफ करना बताऊँगी। मेरे पास है वह चावल है जो जिसमें कीड़े वगैरह सुरहरी वगैरह है, और इनको अगर हम बनाने समय इधर ले देख सकते हो, इसमें सुरहरी घूम रही है। आप दिखा इधर मेरे से, मुझे दिखा। तो इसमें जो कीड़े गिंडार वगैरह हो जाती है, तो उसको हमें जब बनाने होते हैं चावल तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत देर लगती है उन्हें साफ करने में। तो इसको साफ करने का बहुत ही अच्छा और आसानी का तरीका ये है कि इन चावलों को मैं अभी छन्नी में से छान लेती हूँ, और फिर इसे चावल यहाँ भटके में इस तरीके से हम छन्ने में वही रहे छन्ने में साफ करेंगे। चावलों को साफ सुथरा करने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक है छन्ने में करनी है। और अभी मेरे पास चार है, परात वगैरह भी ले सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो चावल है मेरे बिल्कुल साफ हो चुके हैं, इसमें कुछ भी सुरहरी है, कुछ भी कीड़ा वगैरह नहीं रहा है। और अब बनाने समय हमें बहुत आसानी होगी कि हम थोड़ा सा इन्हें देख कर जो कर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ये चावल ऐसा नहीं है कि ये चावल हमारे पास है, ये बहुत पुराने हैं। इधर दिखा, और थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ दिखता है तो आप ऐसे इस तरह से इस तरीके से भी देख सकते हैं। खड़ा हो गया, जो साफ चावल है हम इसमें भर देते हैं। हाँ, देख सकते हैं ये सारे साफ चावल है। और जो इधर है दिखाते हैं आपको, तो इसमें आपको चलते फिरते दिख रहे होंगे कीड़े भी हैं जो चल रहे हैं। मैं सारे चावलों को साफ करूंगी और भर दूंगी। तो गाइस चावलों में ऑलमोस्ट गिंडार हो जाती है, और जो पुराने होते हैं उनमें तो इतनी होती ही होती है। इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक ये है, अगर चार्ज ना हो तो हम परात में इस तरीके से फटक सकते हैं। जो हमारे पास छन्ना होता है आलू वगैरह उबालने के बाद हम छानने के लिए रखते हैं, उससे भी हम जुगाड़बाजी कर सकते हैं। एंगल सही रखना। ले सकते हैं जो ब्रिक से गिनार थी कीड़े है मार रहा है। देख
सबसे कीड़े वगैरह नीचे भी निकल जाते हैं और जो रह जाते हैं वो इसमें साग में निकल जाते हैं। दूध वाला भैया से कहना दूध ले लेंगे।